हनी मेरा वॉलेट कहाँ पर है? वॉलेट अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता है? बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। चलो चलो ऑफिस नहीं जाना है क्या आपको? लेट नहीं हो रहा? जाना जरूरी है क्या? हाँ जाना जरूरी है। फिर मैं वेट करूंगी, तभी तो हमारे बीच में प्यार बढ़ेगा। वो तो घर पे रह के ही बढ़ सकता है। नो नो ऑफिस जाओ ठीक है। चलो चलो जल्दी उठो जल्दी। मुझे लेट करा देती हो। अभी एक मिनट मेरा गैस तो दूर कर। लड़कियों के भी अजीब ही चोचले हैं, कभी मॉइस्चराइजर कभी क्रीम, पता नहीं क्या क्या। हम लड़कों का सही है ना, तो मच्छर काटते हैं ना ही कुछ और। अच्छा जी फिर रुको मैं बताती हूं। मेरा तू ही तोता है, तू अपना ख्याल रखिया कर। हनी बाय। अरे रुको रुको आपका वॉलेट रह गया, ये लो अपना वॉलेट। आप हमेशा अपना वॉलेट ही भूल जाते हो। भूलता नहीं मेरी जान, तो तुम्हें पास लाने का बहाना है। अच्छा अच्छा हो गया अब तुम्हारा। आप चलो निकलो 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 जा रहा हूं। निकलो बाय 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 बाय। क्या हुआ हनी? कुछ नहीं भाभी, वॉमिटिंग हो रही है 2 दिन से और अचानक से जी सा घबरा रहा है, अजीब सा मन हो रहा है। तो खुशखबरी है ना, तुम प्रेग्नेंट हो। ओह सीरियसली? हनी आई एम कमिंग। तुमका अपना ध्यान नहीं रखा जाता। बच्ची हो थोड़ी। अरे कुछ नहीं हुआ है, जरा सा ही तो कटा है। केयर नहीं करती तुम पे अपनी? नहीं अब तुम्हें मुझसे ज्यादा किसी और की भी केयर करनी पड़ेगी साथ साथ। कौन आ गया हमारे बीच में? अरे बाबा कूल डाउन, आई एम प्रेग्नेंट, आप डैडी बनने वाले हो। सच्ची? यस। तुम्हें पता है तुमने मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है यार। अच्छा सच्ची? गुलाबी सी सुबह, शराबी सी हवा, भीगी भागी सी मेरी बाजू। यार रानी जब लड़की होगी ना उसका नाम आयशा रखेंगे। नहीं नहीं लड़का होगा ना उसका नाम आदि रखेंगे। नहीं लड़की होगी यार। आपको कैसे कंफर्म है लड़की होगी नहीं लड़का ही होगा? मेरे गट्स कहते हैं। ओ नहीं लड़का ही होगा। चलो जो भी होगा उसको बहुत सारा प्यार करेंगे। हम तुझ में इतना डूब गए जैसे मछली दरिया में, हर बाहर अगर निकले तो मर जाएंगे। हम तुझ में इतना डूब गए जैसे मछली दरिया में, हर बार कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहां के, सफर है आखिरी, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना देना कभी मुझको तू फासले,
मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझ अब तो बता यार, हम दो से तीन होने वाले हैं। हाँ यार, कितना अच्छा लगेगा ना। आउच, क्या हुआ? अरे बीबी किक कर रहे हैं। भैया तो बहुत जोर से किक करता है यार। रातों में लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है, तू है कि मुझ में सोता नहीं। हाँ तू है, हाँ तू है मेरी बातों में तू। जल्दी से ऑफिस आओ, अर्जेंट वर्क है। यस सर, मैं आता हूँ फिर अभी। आप कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ, अर्जेंट वर्क है। बैठो, तुम मैं जा रहे हो? प्लीज आज ऑफिस मत जाओ ना। जाना पड़ेगा यार, बॉस ने अर्जेंट काम से बुलाया। और हाँ, कोई काम नहीं करना है, कोई भारी सामान नहीं उठाना है। और अरे बस करो, आप तो ऐसे बोल रहे हो, कभी लौट के ही नहीं आओगे। पागल कैसी बात करती है, अभी आता हूँ एक घंटे में लौट के। यार विशाल को कॉल कर लूँ, बहुत टाइम हो गया। हेलो। हाँ बेबी। हाँ विशाल, कहाँ हो? बस अभी आ रहा हूँ एक घंटे में। यार आपने एक घंटे की बोला था, अभी तक नहीं आए हो। पता है मेरा अजीब सा मन हो रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही है। वो आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया था ना मैं। अच्छा, ऐसा कौन सा सरप्राइज है, अभी तक नहीं आए हो? विशाल, हेलो। हेलो, हाँ मैम, आपका पति पति का एक्सीडेंट हो गया। क्यों तुझे ये दिल बताए, तुझ पे कितना मुझे प्यार आए। आँसुओं से लिख दूँ मैं तुझको, कोई मेरे बिन पढ़ ही ना पाए। रहूं चुप कुछ भी ना बोलूं, बरसों लंबी नींदे सो लूं। जिन आँखों में तू रहता है सदियों तक, वो आँखें ना खोलूं। सांस न आए,
आंसुओं से लिख दूं मैं तुझको, कोई मेरे बिन पढ़ ही ना पाए मेरे।